हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे व्रत वाले आलू। और अब इन आलू को आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे कुट्टू की रोटी, सिंगाड़े का आटा से जो रोटी बनती है उनसे, दही से नॉर्मल। तो चलिए इसकी जो रेसिपी है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू, इन्हें हमने उबाल लिया है और हमने इसे अच्छे से काट लिया है। फिर हमें चाहिए मूंगफली, 3 या 4 बड़ी कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर, और चाहिए व्रत का नमक, ये है सांदा नमक। चलिए इन सब चीज़ों से हम अपने व्रत के आलू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में जो है ना घी गेर लेंगे 2 चम्मच। अब हम इस घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे जब तक ये पिघल नहीं जाता है। घी पिघल चुका है, चलिए अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देते हैं। देखिए हमारा जीरा जो है वो जब भुनने लगे उसके बाद हम इसमें ना मूंगफली ऐड कर देंगे। अभी तैयार है तो हम एक काम करेंगे, इसमें अपनी मूंगफली जो है वो डाल देंगे। देखिए पूरा हो गया है, चलिए मूंगफली डाल के हमें मूंगफली को भी अच्छे से भून लेना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे हमें भूनना है। आप यहाँ पे क्या है ड्राई फ्रूट का भी ऐड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारी मूंगफली अच्छे से भून रही है और इन्हें पूरा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। कच्चे रह गए तो इनमें क्रिस्प नहीं रहेगा। अच्छे से ये भून चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से जितना आपको तीखा पसंद हो उतना ले सकते हैं। आपको हरी मिर्च इसी यहाँ इसी स्टेज पे डालनी है क्योंकि ये जो है ना तेल के साथ फ्राई होकर क्रिस्पी हो जाएंगे और ये खाने में बहुत टेस्ट लगेंगी। इन्हें फिर छोटे बच्चे या नॉर्मल एज के बच्चे भी खा सकते हैं, वो अपनी मिर्च को निकाल के जो फेंक देते हैं वो यहाँ पे वो नहीं करेंगे। अच्छे से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये जो टमाटर की खटास है ये सारे मूंगफली में भी मिल जाएगी, पूरे मसाले में जो है घुल जाएगी। और देखिए कितने सुंदर कलर लग रहे हैं। व्रत का खाना हेल्दी भी होता है और ज़्यादा मसालों से भी नहीं बनता है तो वो खाने में और टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे ना हम आलू ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा जो मसाला है वो पूरा बन चुका था। चलिए अब जो आलू हमने ऐड करे उन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। और हमें ना थोड़ी सी गैस यहाँ पे लो फ्लेम पे ही रखनी है क्योंकि आलू लग ना जाए नीचे तले पे। अब नमक ऐड कर देंगे, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच लिया है छोटी। और हम इन्हें अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही गैस पे पका लेंगे, एक दूसरे के साथ मिला लेंगे ताकि जो मसाला है वो सारे आलूओं में मिल जाए और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए अभी से ये इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे। आप ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार है बिना किसी मेहनत के। इनके साथ ना आप दही से खा सकते हैं ये, या फिर आप ना चटनी भी बना सकते हैं टमाटर की, हरी मिर्च की, तो आप उनके साथ भी खा सकते हैं। देखिए हमारे आलू बनके तैयार है। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक भी कर देना, थैंक यू। चलिए इन्हें सर्व करते हैं हम। इन्हें हम जो है आज नॉर्मल खा रहे हैं दही के साथ। तो एक बर्तन में हमने आलू निकाल लिए हैं अपने और उसमें ऊपर से दही घेर लिया है। ऐसे ही हम इसे खाएंगे और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगेगा।